वेलकम बैक टू क्रिएटिव कॉर्नर बाय दीपाली। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने एक टाल से मर्मेड पिलो बनाया था और जो उसका बचा हुआ फैब्रिक था उससे मैंने तीन चार चीज़ें और बनाई हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो शो कर रही हूँ आपको, ये है बर्ब टावल। ये हम लोग, मुझे पता ही नहीं था जब मेरे बच्चे छोटे थे, इसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी, पर अब मुझे बहुत यूज़फुल लगता है ये छोटे बच्चों के, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को फीड कराने के बाद वो ऑब्वियसली दूध निकालता ही है बाहर, तो उस टाइम जब हम बच्चे को गोदी में लेते हैं तो वो सारे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं या बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये टाल उसके लिए है कि इसको हम ऐसे शोल्डर पे रखते हैं और शोल्डर पे रख के फिर बेबी को आप ऐसे रख सकते हो। फिर उससे ये होता है कि जो भी उसके मुंह से निकल रहा है वो आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा और बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा, स्टाइलिश लगता है, क्यूट लगता है, कहीं आप बाहर जाते हो तो कपड़े ख़राब नहीं होते उससे। और फिर इसको आप इजीली उठा के बैग में रख सकते हो, दो दिन बना के रख सकते हैं अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो। या जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेबी हुड और बेब और उसका टाल बना के दिखाया था वॉश टावल, उसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड आप ये भी बना सकते हैं साथ में, तो ये बहुत यूज़फुल है। जो सेकंड चीज़ मैंने बनाई है वो है ये मोबाइल फ़ोन का कवर। ये जब किचन में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर बाई चांस कोई फ़ोन आ जाता है, या हम लोग जैसे मैं भी किचन में काम करती हूँ, वायरलेस हेडफोन लगा लेती हूँ और काम करते करते फ़ोन ऐसे रखने की बजाय इसको हैंग कर लेती हूँ मैं नेक के क्रॉस, और फ़ोन इसमें अगर रख लें और वायरलेस हेडफोन से बात करते रहें तो फ़ोन की भी गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, फ़ोन गिरता भी नहीं है और अच्छा लगता है। पूरे दिन आप घर में घूम के काम कर सकते हो, फ़ोन कहीं घूमता भी नहीं है। मेरा प्रॉब्लम तो यही होता था कि फ़ोन कहाँ रख दिया मालूम नहीं होता है। जो तीसरी चीज़ बनाई है वो है मिटन। ये इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव से हमें कुछ सामान निकालना होता है, वैसे पहले तो मोस्टली लोग अवन यूज़ करते थे। अवन में जो होता है वो बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग पैडेड जो मिटन आते थे वो यूज़ करते थे, पर आजकल माइक्रोवेव में बर्तन ज़्यादा गर्म नहीं होते और टाल तो फिर भी थोड़ा मोटा ही होता है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ईजीली आप इससे उठा सकते हो और अच्छा भी लगता है। मैंने इसमें ये लूप्स लगाए हैं, ये आप किचन में हैंग कर सकते हो, हैंग करे हुए वॉल में भी अच्छे लगते हैं, बहुत यूज़फुल है डेली में, वॉशेबल भी है। अब जो लास्ट मैंने बनाया है ये मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया है जो टीनेजर है, और कभी कभी उसका मन करता है कुछ कुकिंग करने का, पर वो ये है कि वो डर जाती है कि पैन गर्म हो जाएगा या कड़छी गर्म हो जाएगी। अब कल फादर्स डे था तो वो पापा के लिए कुछ कुक करना चाहती थी किचन में, तो मैंने उसके लिए ये स्किलेट होल्डर कवर्स बनाए हैं। ये जैसे पैन है, पैन के स्टिक पे आप अगर ये होल्डर लगा दें तो वो गर्म नहीं होगा और बच्चा डरेगा भी नहीं। ये इस पैन के लिए बनाया है और ये देखने में बहुत स्वीट लगता है, क्यूट लगता है, इसको वॉश भी आप कर सकते हैं। जैसे ये पैन है, इसमें मैंने लूप भी लगा दिया है ताकि इसे हम हैंग कर सकते हैं, और इसको लगाना भी बहुत ईजी है, किसी भी बर्तन में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये कड़छी या चम्मच जो होते हैं किचन में जिसे हम कुकिंग करते हैं, इनके ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं, तो बस गर्म होने का कोई टेंशन ही नहीं, आप बिना टेंशन के कुकिंग कर सकते हैं बच्चे, और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं, कोऑर्डिनेटेड लगते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये बनाने की। थैंक यू।
फ्रेंड्स, हमने जो मर्मेड पिलो बनाया था ये उसका बचा हुआ फैब्रिक है। अब हम इसमें मिटन बनाएंगे। मिटन का मेजरमेंट लिया है मैंने 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, और इसको हम प्लेस करेंगे फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक पहले हम हाफ फोल्ड कर लेंगे उसके विड्थ के अकॉर्डिंग, और फिर इसका ये ड्राफ्ट इसके ऊपर रख के मिटन को कट करेंगे। मिटन दो काटने हैं हमको, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। एक लेफ्ट से काटेंगे, एक राइट से। स्ट्राइप पोर्शन में ही मिटन रख रहे हैं हम। सेंटर फोल्ड है और एक साइड इसमें हेम है, तो हमें दो साइड तो स्टिच नहीं करना है। तो बाकी जो दो साइड बचे हमें बॉटम में और एक साइड में, हम वहीं स्टिच करेंगे। बॉटम में हम सिंपल स्टिच रखेंगे और हाफ इंचेस मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग के लिए, और जो साइड है साइड में हमें सीधा सीधा स्टिच करना है, तो आधा इंच मार्जिन वहाँ रखेंगे। और साइड स्टिच करते टाइम हम उसमें एक छोटा सा फैब्रिक का ही लूप या कोई डोरी लगा देंगे हैंग करने के लिए इसको। अभी दोनों कट गए हैं। इसका स्टिचिंग बहुत इजी है। और अब जो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हम स्ट्राइप फैब्रिक काट के अलग कर लेंगे, जिसका हम मोबाइल कवर बनाएंगे। और जो ये सेंटर में ब्राउन फैब्रिक है, इसका हम बेबी बर्ब टाल बनाएंगे, तो हम ये साइड में रख देते हैं अभी। अब हम मिटन को स्टिच कर रहे हैं। पहले खाली दो साइड से स्टिच करना है हमें। अब ये स्टिच हो गया है, हमने इसको इनसाइड आउट कर लिया है और ये डोरी भी लग गई है इसमें। अब आगे जो हमारे ये दो पीसेस बचे थे, इसका हम मोबाइल कवर बनाएंगे। ये कपड़ा काफ़ी छोटा है, तो अभी मैं इसमें कुछ कटिंग नहीं करेंगे, सीधा स्टिच करके देखेंगे। सेंटर से जॉइन करेंगे और नीचे से एक बार जॉइन कर लेंगे, फिर हम देखेंगे मोबाइल रख के इसके अंदर कि हमें कितना मार्जिन है हमारे पास बचा हुआ। जो फोर्थ साइड है, जो टॉप है जहाँ से हमें मोबाइल अंदर डालना है, वहाँ हम पाइपिंग लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं है कि हम उसको मोड़ सकें अंदर की तरफ। मेरे पास ये कॉटन फैब्रिक है, इसका मैं एक बेल्ट की तरह बना रही हूँ कि मोबाइल कवर में हैंग करने को जो हमें बेल्ट चाहिए। मेरे पास कोई डोरी नहीं है, तो मैं ये बेल्ट की जगह यूज़ करूँगी। आप चाहें तो डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ से वो स्टिच कर लेंगे। अब मोबाइल कवर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ये बेबी बर्ब टाल। इसका मेजरमेंट मैंने जो लेंथ लिया है वो 15 इंचेस लिया है। सेंटर से जो विड्थ रखी है वो हाफ में मैं 3 इंचेस ले रही हूँ, मतलब टोटल 6 इंचेस वाइड होगा। और जो इसका बॉटम है, बॉटम में लूँगी 9 इंचेस टोटल, और हाफ में 4.5 इंचेस। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड में कॉर्नर्स हैं, वो हम राउंड कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें चारों तरफ से पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग के लिए हमें राउंड करना ज़रूरी है, और राउंड अच्छा भी लगता है। तो मैं इसको हल्का सा राउंड कर लूँगी इसका ड्राफ्ट। और अब इसको फैब्रिक के ऊपर प्लेस करके कट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अब किसी भी कॉटन फैब्रिक से हम इसमें पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग बायस करती है, रेप करती है, तो सीधी सीधी पट्टियां काट लें हम आड़े में, और वो चारों तरफ से इसको पाइपिंग कर दें। पाइपिंग ज्वाइन कर लें अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो। अब फ्रंट साइड से पाइपिंग जोड़ दें चारों तरफ।
और फिर उसको अंदर टर्न करके वापस से टॉप स्टिच कर दें। ये हो गया हमारा बॉक्स टाल रेडी। अब इसके बाद हम बनाएंगे हमारा स्केलेट होल्डर कवर। ये बनाने के लिए हमें छोटे से पीसेस ही चाहिए और ये अंदर की तरफ इसमें लूप रखा है मैंने, वही जैसे बेल्ट बनाया था मोबाइल कवर के लिए वो वैसा ही बेल्ट मैंने और काट के रखा था, उसी से मैंने सब में लूप लगाया है हैंग करने के लिए। हम चाहें तो कोई डोरी भी लगा सकते हैं, मेरे पास कोई मैचिंग अवेलेबल डोरी नहीं थी तो मैंने फैब्रिक से ही इसका लूप बना लिया। अब ये हमारा स्केलेट होल्डर कवर रेडी हो गया है। थैंक यू।